महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति बदली है उसके बाद शरद पवार का परिवार टूट चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। एक वक्त तक जहां 22 नवंबर की रात ये खबर आ रही थी कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएगी, सुबह सुबह ये खबर आई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन खबर में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रहा कि बीजेपी ने एनसीपी के साथ सरकार बनाई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन लोग ये समझते और सवाल करते कि एनसीपी बीजेपी के साथ कैसे आ सकती है। तभी पवार ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना अजीत पवार का फैसला था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। शरद पवार की ट्वीट के बाद मामला लगभग साफ हो गया कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी। इसके कुछ ही समय के बाद सुप्रिया सुले के व्हाट्सएप स्टेटस ने ये साफ कर दिया कि पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। इन सब के बीच सबसे बड़ा खुलासा एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने किया। उन्होंने कहा कि विधायकों के समर्थन की चिट्ठी का अजीत पवार ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। विधायकों ने 10 दिन पहले ही समर्थन की चिट्ठी पर साइन करवाया था। अभी शिवसेना को समर्थन देने पर विचार हो ही रहा था, लेकिन जिस चिट्ठी पर साइन किया गया था उसी चिट्ठी के सहारे अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। विधायकों को ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके साइन से समर्थन दिया गया है। 12:30 बजे होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी के वे विधायक भी मौजूद हो सकते हैं। ये बड़ी खबर। खबरें ये भी आ रही है कि अजीत पवार ने एनसीपी के 54 विधायकों में से 35 को तोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है, जिसके बाद राजभवन में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन इन सब के बीच सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप स्टेटस बता रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता के लिए टूट गया पवार का परिवार, और फूट फूट कर रोई सुप्रिया सुले कि इस तरीके से दगाबाजी बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। अब सुप्रिया सुले कौन है जरा ये भी जान लीजिए। शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप पर ऐसा स्टेटस डाला है जिससे लग रहा है कि परिवार दो हिस्सों में टूट गया है। उन्होंने लिखा है, परिवार और पार्टी अलग हो गए हैं। उनके इस बयान की पुष्टि उनके कार्यालय ने भी की है। सुले का सामना जब पत्रकारों से हुआ तो वो काफी भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगे। तो क्या सत्ता की लिए अजीत ने अपना परिवार दांव पर लगा दिया है, तोड़ दिया अपना परिवार से रिश्ता? बड़ा सवाल। दीजिए इस पर अपना जवाब। नेक्स्ट नाइट भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।